पहले आपको तीर का पता चलिए कहते त्रिगुण करिए तो तीर के बाद क्या है पहले स्क्वायर फिर एक्स फिर कौन सा जैसे इसमें देख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स और लास्ट में क्या है कांस्टेंट सबसे पहले आपने इक्वल वैल्यू को जीरो की तरफ रखना इक्वल टू वैल्यू का कैसे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन उसके बाद आपने ऐसा लाइन लिखा नहीं इनमें से अब आपने कोफिशिएंट लिखो क्या लिखेंगे कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट क्या है 7 और माइनस 1 इस वैल्यू को आपने ध्यान रखना था माइनस 1 और उसको साइड पे करना से कर दिया ठीक है फर्स्ट वैल्यू आपने सेम उतार दिया थी 1 प्लस 1 क्या फिर 1 को माइनस 1 से दी माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से माइनस 1 माइनस वन आ गया फिर माइनस इसको प्लस माइनस किया फिर माइनस माइनस सिक्स ले किया माइनस सिक्स आ गया माइनस सेवन माइनस अब इसका ये लिखे ये जो लास्ट में ना ये रिमाइंडर है इसको लिखेगा आर एक्स इक्वल टू माइनस सेवन और ये क्या ग्राइंड है दो वैल्यू है तो नंबर डेट है टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स अब इसमें आ जाए इसमें देखिए इसमें आपके तरतीब चाहिए नहीं है क्यों यहाँ क्यूब है क्यूब के क्या बात क्या है स्क्वायर तरतीब दे फोर एक्स का क्यूब प्लस फिर एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फिर इसके बाद जीरो थी एक्स प्लस थ्री इक्वल टू और एक्स इक्वल टू थ्री अब इसके कोशिश लिख रहे फोर जीरो माइनस फाइव रिमाइंडर आपको क्या गया 78 rx = minus 78 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 हो गया यस अब देखिए यहां तरतीब चाहिए क्यूब स्क्वायर x और स्क्वायर इसको दियो x प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0 और x = 1 2 यदि rx और qx क्या है बेटा rx का मतलब है का मतलब है ये 12x + 3 कहां से है क्या 12x + 3 3 को मल्टीप्लाई करो टू वन का टू थ्री आ गया थ्री टू थ्री का सिक्स प्लस माइनस किया क्या गया माइनस थ्री थ्री टू का सिक्स क्या गया एट एक्स का स्क्वायर ये क्वेश्चन था आर एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री और आर एक्स एट